हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो व्हाट डू वी मीन बाय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? समझिए आप इस चीज को, ग्राउंड है, ठीक है, और कोई प्लेन जा रहा है, और प्लेन जाते जाते किसी पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, इट्स ड्रॉपिंग ए पैकेट, ठीक है। अब इस प्लेन ने इसको किसी एंगल पे तो फेंका नहीं है, कैसे फेंका है, जाते जाते उसने जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो प्लेन की वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी उस पैकेट के पास थी जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। जैसे ही ये पैकेट प्लेन से रिलीज हुआ, एज सून एज द पैकेट डिटैच्ड इटसेल्फ फ्रॉम द प्लेन, इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग। तो जब ये फॉल कर रहा था, इसके पास अपनी एक वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल वेलोसिटी मिली, उसकी वजह से इट फेल लाइक दिस, इट फेल लाइक दिस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, ऑल सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स आर डेल्ट अंडर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो कोई बिल्डिंग है, जैसे सम बिल्डिंग, और यहाँ पे कोई पर्सन है, वो कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा है, ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है इस प्रकार से, दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फॉल लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये प्लेन्स की जगह यहाँ पे क्या आ गई है, बिल्डिंग आ गई है, तो बिल्डिंग की किसी सर्टेन हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट किस प्रकार से फेंका गया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, किसी हाइट से दी गई है, तो उसी को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। वरना ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से भी आते हैं कि प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, ठीक है। तो आपको ये हाइट दी होगी पहले से, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी भी दी होगी, और ये एंगल भी दिया होगा, ये सारे पैरामीटर्स दिए होंगे, इन सबको यूज करके हम फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि कई क्वेश्चंस में क्लिफ यूज की जाती है, क्लिफ या टावर, टावर का और बिल्डिंग का केस सेम है, क्लिफ, जैसे क्लिफ पे बंदा खड़ा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ से वो किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली या ऑब्लिकली या किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहा है तो वी नेम इट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अदरवाइज उसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह डील करेंगे उसको, वो भी कुछ इस प्रकार से आके गिरेगा। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स को कवर करते हैं, ठीक है। कोई भी केस हो, चाहे प्लेन का केस है, चाहे बिल्डिंग का केस है, चाहे ये क्लिफ का केस है, ठीक है, इन सब चीजों में हमें बेसिक्स जो है वो मोशन की, वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से डील करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ।